अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले ओरल कैविटी या बकल कैविटी के द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करने के साथ साथ ये देखो बकल कैविटी ओसोफेगस में जाएगा और मुंह में ये पचने के बाद ये बॉलस के रूप में ये कहां जाएगा, फेरिंग्स में, जिसको हम लोग ओसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली आहार नल कहते हैं, ठीक है। और ये बॉलस के द्वारा भोजन नीचे की ओर जाएगा और ग्रास नली में पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण भोजन नीचे की ओर जाएगा और नीचे की ओर जाने के बाद भोजन कहां चला जाएगा, ये आपको स्टोमक में चला जाएगा। स्टोमक मतलब अमाशय में चला जाएगा। अमाशय में जो है भोजन का पाचन और रिस्टोर होता है। अमाशय से तीन एंजाइम स्रावित होता है, HCL, पेप्सिन और रेनिन। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।